दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक गरीब और दूसरे अमीर। दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग कहते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मरना गुनाह है। तो दोस्तों, दुनिया का हर गरीब व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन दोस्तों हमारी कुछ आदतें हैं जो हमें धनवान बनने से रोकती हैं। जिस व्यक्ति में ये पांच बुरी आदतें होती हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहता और दुनिया में कभी भी धनवान नहीं बन सकता। अगर आप में भी वो पांच बुरी आदतें हैं तो आज से ही इन आदतों को छोड़ दीजिए। इन पांच बुरी आदतों में सबसे पहली बुरी आदत है नशा। जिन लोगों में किसी भी चीज़ का नशा करने की आदत है, किसी भी चीज़ का व्यसन है, वो लोग कभी धनवान नहीं बन सकते। ऐसे व्यक्ति के पास अगर पुरखों का खजाना भी है तो वो जल्दी से जल्दी खाली हो जाता है। इसलिए धनवान बनने की अगर चाहत है तो नशे को खुद के पास फटकने भी ना दें, खुद को नशे से दूर रखें। दूसरी आदत है दोस्तों, अय्याशी करना। जो अय्याश लोग होते हैं दोस्तों, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते और कभी भी धनवान नहीं बन सकते। उनके पास जो धन होता भी है वो अय्याशी में ही उड़ जाता है। धनवान से धनवान लोग भी अय्याशी की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। उनके पास जो पैसा होता है वो भी बर्बाद हो चुका है। तीसरा मुख्य कारण है दोस्तों, लोभी व्यक्ति। जो व्यक्ति लोभी होता है, जो हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है, जो धन के पीछे ज्यादा भागता है, धन और यश दोनों उससे इतनी ही दूर हो जाते हैं। लोभी व्यक्ति ना तो अपनी मर्यादा का ध्यान रख पाता है, ना दूसरे का सम्मान, इसलिए आदर रूपी धन से वंचित रह जाता है। उसके पास नोटों की गड्डियां तो बहुत होती हैं, लेकिन लोगों का जो सम्मान मिलता है, लोगों का जो सम्मान रूपी धन होता है, वो कभी नहीं मिल पाता। यानी पैसा होने के बाद भी वो गरीब का गरीब रह जाता है, दुखी रहता है। नंबर चार, अभिमानी या अहंकारी। दोस्तों, अगर हमारे अंदर घमंड है तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन नहीं ठहरता, क्योंकि अहंकार या तो उसे ले डूबता है या उसके धन को ले डूबता है। जो लोग घमंड में होते हैं वो सोने की लंका को भी नहीं बचा पाते। तो दोस्तों, घमंड नहीं पालना चाहिए। नंबर पाँच, जो लोग दूसरों के नौकर होते हैं। नौकरी करने वाले लोग कभी धनवान नहीं बन सकते। उनके पास अगर पैसा आ भी जाए, अच्छा बैंक बैलेंस भी हो जाए, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह सकते। जो खुशी के रूप में जो धन मिलता है, जो अंदर से खुशी होती है, वो उनके पास कभी नहीं रहती, क्योंकि उनका सुख उनके मालिक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर हमारे अंदर ये पांच आदतें हैं तो इन पांच आदतों को हमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हमें ज़िंदगी में खुश रहना है, धनवान बनना है, तो हमें इन पांच आदतों को खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों।